स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आई है, तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल से। सरकारी कर्मी योग के लिए 15 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। राज्य सरकार के कर्मियों को योग का अभ्यास केंद्र में रहकर करने के लिए 15 दिनों का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने कर्मियों को इतने दिनों का अवकाश प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया है। किसी भी स्तर के कर्मी इसका लाभ ले सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार कर्मियों के लिए पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क के विपस्याना केंद्र में रहकर इसका लाभ ले सकते हैं। यह कोर्स मुफ्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 10 दिनों की आवासीय सुविधा के साथ 15 दिनों के अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। पटना के अलावा बोधगया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, चकिया और वैशाली में स्थित केंद्रों में भी जाकर इसका लाभ लिया जा सकता है। सरकारी कर्मियों को मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने यह सकारात्मक पहल की है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने के लिए यह जरूरी अभ्यास है। सरकार का मानना है कि योग और विपस्याना ध्यान करने से सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे कर्मचारियों के व्यक्तित्व में निखार आएगा और अंत विभागीय संबंधों में सुधार आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी है उन तक तो ये न्यूज़ जो है वो जरूर से ज़रूर पहुँचाइए। यहाँ पे मैं और बता दूँ कि सरकारी कर्मी योग के लिए उनको 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी, और ये इसीलिए है ताकि जो वर्क प्रेशर होता है एम्प्लॉई पर वो ना रहे, वो अपना काम को फुल एनर्जी के साथ करें। और ये काम से थोड़ा ब्रेक लेने का भी एक तरीका है। काम से ब्रेक लीजिए और थोड़ा योग कीजिए, इससे जो है आप दुगने गति से काम कर सकते हैं जब आप वापस से अपने जॉब को रिज्यूम करेंगे। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।